देखो मैं अनमैरिड हूँ पर मैं बिंदी लगा सकती हूँ, पर माँ मैरिड है और इनके लाइफ से एक आदमी था वो चला गया तो ये बिंदी नहीं लगा सकती है। रतन दीदी सपरिवार, सपरिवार में इधर के परिवार है 4 लाख। हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। आते ही देखिए क्या करने लग गई हूँ मैं। याद है ये गांव से लेकर आई थी मैं, मिट्टी के बर्तन धोया सुखाया, सीजनिंग करना था ना लेकिन तेल नहीं लगाया था। और मुझे इतना मन कर रहा है मिट्टी के बर्तन में खाना बनाकर माँ को खिलाने का, तो मैंने सोचा सबसे पहले सीजनिंग कर लेती हूँ और कल से इसमें खाना बन जाएगा। मेरे ख्याल से रात से ही शुरू हो जाएगा क्योंकि तेल सूखने में कितना टाइम लगेगा, आई थिंक 5-10 घंटे। मटके का पानी पीना शुरू हो गया है। ये सब लोग क्या होता है ना इस टाइम पे मिट्टी के बर्तन में पानी रखना, फ्रिज का पानी मुझे नहीं पसंद है। देखिए इधर देखो ना कितनी बॉटल्स मैंने डुबोए हैं और ऑलरेडी किचन में भी है भाई। देखे माँ क्या कर रही हो? मेरी माँ कुछ करने लगी किचन में, बैठती नहीं है। क्या है ना कि घर बहुत, आ जाओ माँ ढक्कन खोलियो। हाँ ये हम लोग का गपशप चल रहा है। क्या है ना कि मुझे तो थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, माँ को बिल्कुल नहीं आता है। देखो अच्छा तुम सच्ची बता, तुमको आता है? पहले नहीं बनाया था खाना। तुम तो कभी नहीं बनाई हो माँ? नौकर था। अरे बाप रे, नौकर चाकर मैं क्या खाना बनाते। सही बात है, बैठो। देखे पापा हमारे कितना ज्यादा पैम्पर करके बिगाड़ के रख दिया हमारी माँ को, खाना बनाना नहीं आता। बैठो ऐसा नहीं, कुछ तो बनाई है। बैठो बैठो। अरे हाँ माँ ने पता है क्या बनाया, आपको दिखाती हूँ। माँ आते ही, अरे यार तेल वाला हो गया हाथ, क्या करूँ? धोलो धोलो जाए मम्मी। नहीं अभी थोड़ा काम करना है मेरे को, माँ को मैं समझा रही हूँ मेरे को काम करना है। रुको बताते हैं, आपको दिखाती हूँ माँ ने क्या बनाया सुबह सुबह। धोना नहीं है मम्मी इसको, भिगा कर छोड़ना है। तुमको भी नहीं पता है ना कि मिट्टी का बर्तन कैसे करते हैं? मिट्टी के बर्तन में तो हम लोग ऐसे किए हैं बेटा। क्या पानी रहता था, खाना बनता था, है ना? तब ये देखो माँ ने क्या बनाया है। ये माँ ने मक्की घर में ही भुना है, वो वाला पॉपकॉर्न नहीं है जो मार्केट में मिलता है। और ये ज्वार है जो हमने गाँव से, मावशी जो ज्वार लाई थी ना आटा के लिए, तो आटा तो है, ये मम्मी ने भुंजा बनाया खाना। माँ बेसिकली माँ बेटी घर घर खेल रही हैं, बाय गॉड इतना मज़ा आ रहा है माँ को। ये माँ तुमको ऐसे अकेले रहना बैचलर लाइफ पसंद है ना? मतलब बच्चा को रहना चाहिए, बेटी सब रहे तो अच्छा लगता है। कितनी छोटी मोटी, जब कोई नहीं रहता है तो कितनी अच्छे से सोती हो तुम, वरना छे बच्चों के बीच में तुम्हारा क्या हालत हुआ था। तुमको शांति पसंद नहीं है? याद आ रही है पापा को याद कर रही हो? कोई फायदा हो? अच्छा एक बात बताओ, पापा को याद करती है ये अच्छी बात है, लेकिन पापा को याद करके सैड होती है ये तो अच्छी बात नहीं है ना? मेरी और माँ की बहुत लड़ाई होती है एक बात पे, मुझे एक बात का बहुत गुस्सा है। देखो मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ, मेरे लाइफ में कोई आदमी नहीं है, पर मैं बिंदी लगा सकती हूँ। पर माँ मैरिड है और इनके लाइफ से एक आदमी था वो चला गया तो ये बिंदी नहीं लगा सकती है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या है, बिकॉज आई डोंट लाइक हर विदाउट बिंदी। मुझे बड़ा उदास सा चेहरा लगता है, एक छोटा बिंदी लग जाता है ना, मेरी माँ इतनी अच्छी लगती है लेकिन ये लगाती ही नहीं है। लगाओगी ना माँ? हाँ लगाएंगे। पक्का? पक्का माँ? लेकर आए? अभी नहीं बेटा, सुनो ना। नहीं नहीं बिंदी नहीं लगाते लगेगा, हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लाल नहीं लगाएंगे नहीं। तुमको जो बोलोगी वो लगा देंगे, तुमको रेड से। अरे कतवार घने में इतना बड़ा नहीं, तुम इतना ही बड़ा लगाती थी माँ? नहीं नहीं ये जान, देखो मेरी बात नहीं सुनती। आप लोग प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज माँ को बिंदी लगाने के लिए बोलो। देखो लिपस्टिक नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन एक बिंदी लगाओ। मोही भी बोलती एक मम्मी, इसमें से नहीं लगाएंगे तो किसमें से लगाओगी? इतना छोटा सा? हाँ नहीं बड़ा नहीं लगाएंगे, एक तो हमको लगाने का मन नहीं करता है। मरून लगा देते हैं? नहीं बाबू लाल नहीं लगाते। ऐसे डर रही है मरून नहीं लगाया, कितना ही साल हो गया, 4 साल हो नहीं गया बेटा? और मम्मी लगाई कितने साल? 4 साल से नहीं लगाई है। और ये नहीं बता रही है कि कितने कितने उम्र में तुम्हारी शादी हुई थी, जब पहले बताओ।
साढ़े बारह साल में शादी हुई थी। 12.5 साल से अब तक बिंदी लगाती रही है और 4 साल से छूटा है, अब बिंदी नहीं लगा रही है। बताओ ये गलत है या मैं गलत हूँ? मेरी बोलती बंद करा देती है, बेटी हो ना, मरहम लगा लो। नहीं मरहम लगता है बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो तुम ब्लू लगा लो। बड़ा जिद कर रही हो, मेरा पूरा ब्लू। तो जीजू क्या बोलेंगे कि मम्मी बिंदी क्यों लगाई है? बड़ा सबका नजर तुम्हारी बिंदी पे है। रुको, हाँ मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, देखो ना सच्ची में। देखेगा सब तो कह रहा बिंदी लग रही है। देखे देखो जरा सी, ये है यार, मतलब लोग देखेंगे और सोचेंगे कि एक हस्बैंड नहीं है तो बिंदी लगाई हुई है, इस पर बात करेंगे। कौन है बात करने वाले माँ यार? हम लगाए हैं, तुम शौक से नहीं लगा रही और तुम आज से लगाओगी। अच्छा ये तुम्हारा है, लो। अच्छा रखो। ये पता है क्या होगा, फिर यहाँ से निकाल के और यहाँ चिपका लेती है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक औरत का अगर हस्बैंड नहीं है तो बिंदी यहाँ लगा लिया तो चलेगा, यहाँ नहीं लगा सकती। हटा देती है जैसे ही फैमिली में जाएगी, बुआ चाची और सारे लोग होंगे। नहीं 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 नहीं, माँ लगाती ही नहीं है, मैं ही यहाँ पे लाती हूँ तो ज़बरदस्ती लगाती हूँ। इस बार सब लोग देख रहा है, जो सही बोलेगा ना, आप लोग वोट करना कि बिंदी लगाना चाहिए, अगर हस्बैंड हो या नहीं हो, क्या बिंदी का उससे कनेक्शन है? आई फील नहीं है, ये औरत का श्रृंगार लगाना चाहिए। मैं वैसे मैं सही हूँ, मैं माँ से डर रही हूँ कि कैमरा बंद होते ही मम्मी कुछ बोलेगी। मम्मी एकदम तुम पहले जैसी लग रही हो, लग रहा है पापा हैं आसपास। देखो मम्मी तेल पिला दिए, माँ और कुछ नहीं, माँ चटनी बना रही है टमाटर का और कह रही है बेटी जरा आम काट कर लाना, तो पका आम नहीं, ये देखो मम्मी कैरी खा रही है। माँ को ना यहाँ पे अपना लड़कपन याद आता है, क्योंकि मैं एक सिंगल, जब दूसरी बेटियों के पास जाती हूँ मम्मी तो तुम एकदम माँ बन जाती हो, अब मेरे पास जाती हो तो तुम लड़की बन जाती हो। ऐसे कि कुछ है ऐसा ही ना, लेकिन ऐसा क्या है? अभी क्या हुआ ना, अभी दीदी का फ़ोन आया, तुम्हारे बताया कि सुन रही हो तुम, लिंक दीदी को बताया कि वो बोल रही है कि जी जो लोग बिंदी देखेंगे तुमको लगाए हुए तो क्या बोलेंगे, तो रिंकी दी बोली हाँ हाँ पति लोगों के पास बीवी का बिंदी देखने का होश ही नहीं है, वो सास का बिंदी देखेंगे कि वो लगाई है कि नहीं। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो बन रहा है, थोड़ा एंटरटेन कर दे, बच्ची का थोड़ा सा भला हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बन जाएगा, ये लगी रहती है। शुक्र भी अच्छी अच्छी नहीं बनाती, कभी कभी करती रहती है। माँ तुम बहुत मेरे को ना बहुत प्यार किया करो, जैसे वीडियो ऑफ रहता है तो तुम मत करो प्यार, वीडियो ऑन होता है तो तुम प्यार करने लगा करो। कैसे करोगी? अच्छा आप कैसे करें? हाँ ऐसे, जैसे बंद होगा तो कैसे करोगी मम्मी? और बंद होगा तो कैसे करोगी? अगर मान लो कैमरा बंद हो गया तो क्या करोगी? देखो करते रहेंगे जिनको क्या पता है। देखो कैमरा बंद होगा ना तो हट बेटी गर्मी आओ, हट ना गर्मी आओ, ऐसे बोलना ठीक है? ठीक। छाया मौसी जेवली ना आए, तुम्हें जेवली का गांव से मौसी का फोन आया था। एक्चुअली सुबह मैंने ही किया था हालचाल लेने के लिए सबका, गांव में सब ठीक हैं और गर्मी बहुत पड़ रही है। कटप्पा और बाहू पता है अब जंगल जाता है, उसी समय जाने लगा था, अब तो बड़ा हो, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा ना मेरी टेंशन बढ़ रही है। बड़ा होना मतलब कट जाना और किसी की प्लेट में चले जाना, एंड आई लव बाहू एंड कटप्पा। चिढ़ाती रहती है मौसी कि कुछ दिन में तो बाहू कटप्पा। बैल वाली दीदी भी ठीक है लेकिन मुझे इधर बात करनी है, उधर नहीं। हाँ तो मतलब गांव में सब कुछ ठीक है और अभी हम लोग खाना बस फटाफट से बना रहे हैं, क्योंकि बताया नहीं है माँ को लेकिन कल जो दीदी के यहाँ गई थी रागी के यहाँ, वो आज सरप्राइज़ देने आ रही है और मैं सबसे लड़ने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं अकेली रहती हूँ ना तो इतना नहीं आते जाते हैं, तब उनको काम होता है, माँ के आते पूरा चकल्लस चालू हो जाता है। एक और बेटी से बात कर रही है, 6 बच्चे हैं ना भाई, माँ के टाइम पे इतने हुआ करते थे, अभी ना करना ही अफोर्ड नहीं कर सकता धरती। खाना बनाना माँ को नहीं आता है लेकिन हम जितनी भी बहनें हैं पूछते माँ से ही हैं, आज हम खाएंगे हींग दाल, मिलता ना फ्राई दाल, दाल फ्राई। दो अनाड़ी रसोई में खाना पका रहे। ये चटनी सूखे धनिए का है, वो जो खड़ा धनिया होता है उसका है। अरे मम्मी ये नहीं ली,
ये जो गांव वाला चटनी है, खरड़ की चटनी ना, माँ पहली बार टेस्ट करेगी। थोड़ा लेट खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या खाना खा रहे हैं। माँ जाती है ना तो खाने का मज़ा बढ़ जाता है यार, बहुत मज़ा आता है। कौन सा पानी लेना है मेरे को इसमें से? खा ले लो, हड़प्पा की खुदाई से तुम निकाल के हमने पियेंगे इसमें से। यार क्या मुसीबत है, मेरे घर के हर चीज़ को तुम ऐसे मजाक बनाती हो। हड़प्पा की ही खुदाई से निकला है, तुम वैसे भी हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। अरे अच्छा है, साफ है, दिखता ऐसा है, पर है भी नया। ये नया है और ये प्रमाण है मेरे पास। हाँ नया है, यूट्यूब पे जाकर देख लो, नया है। तुम मेरा वीडियो नहीं देखती हो क्या? हे भगवान, ये कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण मेरे घर में ही है। जी नहीं, तुम देखती हो की दाल बराबर। ओ हाँ सॉरी, करेक्शन कर दिया। सही बोली रिंकी दी, तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम हमको मुर्गी क्यों बना के रखी हुई हो? नहीं सॉरी, ये तो उल्टा हो गया, तुम हमको दाल बना दी हो। यार क्या मुसीबत है यार, देखा करो ना मेरा वीडियो। कोई दूसरा लिए होंगे? नहीं, ये साड़ी हम लोग सब लोग लिए थे, हम माँ रिंकी दी गुर्दी। तुम लोग जाकर अपना अपना कवर चेक करो, रिंकी दी सच्ची में है, हम देखे हैं। माँ हम लोग साथ में पहनेंगे एक साथ। क्या है ना कि कुछ शॉपिंग एक साथ की गई थी, मेरा और मेरी माँ का साड़ी अभी तक एक साथ रखा हुआ है एक जैसा, लेकिन इन दोनों ने घुमा दिया है या पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। बेबी दी के पास है माँ, बेबी दी के पास है। हम लोग पांच बहन और एक भाई हैं। हाँ डिटेल बीच बीच में देते रहना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की बात करेंगे। बेबी दी सबसे बड़ी बहन, डेजी दी सेकंड सिस्टर, गुड़दी थर्ड सिस्टर, रिंकी दी फोर्थ सिस्टर, रस्सो यानी कि रतन राजपूत पांचवी बहन, मुन्ना यानी कि शशांक छठा। हाँ आ जाओ, हम लोग ये काम कर रहे थे, कर ले। सो हैप्पी टू सी यू। ओहो सिंगापुर। हाँ मम्मी, माँ तुमको सब लोग प्रणाम बोल रहे हैं और बहुत क्यूट बोल रहे हैं। तुम्हारे सिर्फ आधा दर्जन बच्चे नहीं है, तुम्हारे 400,000 और बच्चे हैं इधर। हाँ और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दो हमारे दो वाला अभी इस पर नहीं। हाँ माँ आशीर्वाद दे रही है सबको, 400,000 को आशीर्वाद है मेरी माँ का सबका। क्या बोले, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, ये हुई ना बात। अम्मा ये सब मूड में है, सब इकट्ठे होते हैं ना तो खुश हो जाते हैं और फिर ऐसे ऐसा चलता रहता है। चैनल के सब्सक्राइबर्स, हाँ बड़ा डिजर्व, मिलियन करेक्ट, हमारा चैनल मिलियन डिजर्व करता है यार, क्यों नहीं है। ये जो कमेंट है ना, इसको मैं यहाँ पे लगातार ऐसे ऐसे हार्ट्स देना चाहती हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं प्रोविजन, क्योंकि हम सच में मिलियंस होना चाहते हैं। शादी का कार्ड तो रंगीन सा लिखा था है ना, निकी की शादी का कार्ड आ गया है मराठी में देखो। अरे हिंदी और मराठी तो सेम ही होता है ना दिखने में। रतन दीदी, रतन दीदी सब परिवार, सब परिवार में इधर के परिवार है 400,000 बुला लो सबको। मन है तो बताइए आप लोगों को, क्या निक्की का शादी देखना है मेरी निक्की का? अगर हाँ तो हम अरे वाह, चलो जी थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो, खुश रहे। इधर देखने का मतलब ना क्या लिखा है, मराठी में लिखा होगा ना तो ही पढ़ के रुक जाओ, पहले इधर दिखा दो ना कार्ड। ये है हमारे निक्का की शादी का कार्ड, बहुत सुंदर है निक्की, बहुत डोली वोली सब है। अरे बाप रे कितना कुछ लिखा है, अरे बाबा तो सबका नाम है, इतना सारा नाम लिखना पड़ता है, इतना सारा मतलब इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, पूरी फैमिली का नाम है ना। अमेजिंग, बहुत बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि निक्का का शादी हो जाए, बहुत खुशी का बात है भाई। देखा है कौन वो, नहीं ये देखो यार, देखो दोस्तों देखो, ये आप लोगों की वजह से इसमें थोड़ी देर के लिए लगा लिया था बिंदी बहलाने के लिए मुझे, और फिर गाया। और निक्की देख करके कह रही है कि अभी तक तो ठीक लग रहा था चेहरा, अभी क्या हो गया? निक्की तू समझा तो जरा मम्मी को। लगा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी आज ऐसे सोचा कि शादी के पहले लगाते हैं तो हस्बैंड नहीं होता है तो क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, एग्जैक्टली पगड़ी पहन सकते हैं, पैर में डाल सकते हैं, तो शादी के पहले तो हम डालते ही है ना, तो शादी हस्बैंड नहीं होता है तो क्यों नहीं डाल सकते।
बोलो तुम सिर्फ जवाब ठीक है, हम लोग सही गलत नहीं बोल रहे हैं। गले का मंगलसूत्र होता है वो ठीक है, वो हस्बैंड पहनाता है, वो नहीं पहन सकते तो ठीक है, बिल्कुल सही। तो बिंदी, बंगड़ी, पैर का पेंजन, वो ये सब तो पहन सकते हैं, शादी के पहले भी पहन सकते हैं और शादी के बाद भी पहन सकते हैं, क्योंकि वो पति नहीं पहनाता है ना। क्या सही पॉइंट तूने पकड़ा है, तो कि जो पति पहनाता है वो हटा दिया, लेकिन बिंदी तो बचपन से लगाते हैं। पर तुम गांव में नहीं हो ना माँ, तुम तो गाँव में हो। हमारे ये बात कैसे सोचा? आज वो हमारी जो डस्टिंग वाली बाई आई थी ना, वो उसने मुद होया, तो उसकी बिंदी निकल गई। तो वो बोल रही थी मेरे को कि बिंदी है क्या तेरा, मैंने बोला नहीं। तो वो किसी और के घर में जाके किसी से मांग, तो मैंने बोला शादी के पहले तो हम बिंदी नहीं लगाते, मतलब जब लगाना लगाए, नहीं लगाया नहीं, अभी नहीं है मेरे पास ना, तो शादी के बाद लगा सकते है। तो शादी मतलब ऐसे ही क्यों नहीं, गलती से निकल गया तो क्या प्रॉब्लम है? ये टॉपिक्स बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि माँ तो नहीं समझ रही है, अब आप ही लोग समझा सकते हैं। और अगर आपके घर में भी ऐसा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कि यहाँ पे कोई हम लोग झंडा नहीं गाड़ रहे, सही गलत की बात भी नहीं कर रहे। मुझे बस अच्छा लगता है कि एक औरत का श्रृंगार है तो वो तो रहना चाहिए ना माँ। तो सिंदूर पति पहनाता है, सिंदूर मत लगा, पति मंगलसूत्र पहनाता है वो मत पहनो, ठीक है। वो बोली तो कि पायल बिछुआ मत पहनो, पति का वो ये है, लेकिन पायल है, अंगूठी है, चूड़ी है, बिंदी है, ये सब तो लगाने की बात है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग यहीं पे अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे। और मैंने अचानक देखा माँ को कि चेहरा बदला हुआ है, तो पहले बड़ी बिंदी से छोटी बिंदी हुई। हाँ मैंने कहा मम्मी झूठ झूठ। हाँ हाँ एक मिनट हाँ क्या बोलो बोलो। चेहरा साफ करने गए ना तो निकल गया। अच्छा मम्मा हाँ, निकल गया हाँ, सच्ची में जब पापा थे तब तो नहीं निकलता था तुम्हारा बिंदी? माँ की बिंदी के चक्कर भी ये बना है जी, क्योंकि फाइट हो रही है। मैं मास्क देखो, मैं कब तक माँ को ऐसे ज़बरदस्ती कन्विंस करूँगी, या ज़बरदस्ती नहीं है, मैं तो सिर्फ कन्विंस करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द भी ऐसा होगा तो तुम दूसरे को समझा सकती हो ना कि हमारे बच्चे ऐसे समझाते हैं। समझाएंगे, पहले खुद तो समझ जाओ फिर दूसरे को समझाना। हाँ समझाएंगे। हे भगवान, हम लोग कैमरा चालू करके आपस में धनिया चटनी बनाना सीख रहे हैं। एक मिनट, आज के लिए इतना ही, हम तो ये सब करते रहेंगे घर में फाइट और डिस्कशन, लेकिन आप लोग प्लीज़ शामिल हो, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और घर घर की बात है। तो सोसाइटी ने ही बनाया है ना कि बिंदी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, पर समाज कितना बदल गया है, हमको अब जागना चाहिए नहीं, जानना नहीं जागना चाहिए। देखो जरा इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। हाँ जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? नहीं जागना चाहिए ना। तो तुम पहले जागो ना, बिंदी लगाओ। कितने साल? पूछ ये सही, ये मैंने भी क्वेश्चन किया है। कितने साल रहे हो? कहाँ बेटा? पापा के साथ तुम कितने साल रहे हो? शादी के बाद। शादी के बाद तो 60 में है बेटा। पर नहीं हो। हाँ गिने नहीं। कैसे गिनेगी? 12.5 साल की थी, गोद में बिठा कर शादी हुआ था। हाँ। पीरियड भी नहीं होता था तब। ओ पीरियड नहीं होता था ना माँ? नहीं नहीं। अरे बाबा, हमारे यहाँ तो पीरियड होता तो ही शादी करते हैं ना। हाँ तो जान प्रदान होता है हम लोग के यहाँ, मतलब गोद में बिठाकर, जान मतलब गोद में बिठाकर पापा दान करते हैं। पापा दान करते हैं यहाँ बैठा। बाल विवाह हुआ था बेसिकली तुम्हारा, तो बचपन से पापा के साथ खेली कूदी बड़ी हुई। बाय निकी। बाय बाय। कल लाना सवेरे। हाँ सवेरे नहीं शाम को। चलो ओके बाय। निकिता को भी बाय बाय, आप लोगों को भी बाय बाय। हम फिर कल मिलेंगे अपने इसी तरीके के बातचीत और नोकझोंक। और नहीं यार एक्चुअली इसको बातचीत या नोकझोंक या ये नहीं कहेंगे, ये तो कहेंगे कि कोई होता है ना घर में तो कितने सारे विषय होते हैं बात करने के लिए। जैसे अभी विषय है कि मैंने मम्मी को खाना नहीं खिलाया, जला हुआ एक वो क्या दिया है चिला अभी बना रहे हैं। ओके ए नहीं मम्मी, नहीं बेटा नहीं खाएंगे। मम्मी मेरा नाक कट जाएगा। नहीं नहीं खाने का मन नहीं है, हम जबरदस्ती खाए हैं। नहीं एक और। नहीं एक अच्छा नहीं था क्या? नहीं नहीं टेस्टी नहीं था। हाँ टेस्टी नहीं था। अच्छा है।
ओके, राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, कर मिलते हैं।